मेरा तो एक ही परिचय हुआ था हरियाणा की लड़की से, एक ही हुआ था। एक बस स्टॉप पे मुझे पता लग गया वो हरियाणा की है। बस स्टॉप पे तीन खड़ी थी, वो एक लखनऊ की खड़ी थी, एक दिल्ली की खड़ी थी, एक हरियाणा की खड़ी थी। पता कैसे लगा? मैं जा रहा था, अब जा रहा था तो एक बार पलट के देख भी लिया, देखा तो आगे एक पत्थर का टुकड़ा था, मेरा पैर लगा, मैं गिर गया वहां पे। अब लखनऊ की लड़की, ओहो आपको चोट तो नहीं आई? अच्छा। दिल्ली की लड़की थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज। हरियाणा की लड़की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। हम हरियाणा वाले तो तनाव लेते ही ना, एक अंग्रेज आ गया घूमण और एक अपने ताऊ के छाती लगा के बोला, डू यू नो इंग्लिश? ताऊ बोले यस, नो बोले हाउ मच, नो बोले बस। फालतू बोलो नहीं ना देते। एक बुढ़िया का सांप लड़ गया, बहू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, बुढ़िया का सांप लड़ गया, पड़ोसन ने फोन करा, एतरी सासू का सांप लड़ गया, अरे वाह प्रोफेसर बहू मने मन में राजी होगी। नबली गुंठिया का लाजरी लग गया है, डिपार्टमेंट के हेड बड़े सख्त आदमी है, छुट्टी को दे बेबे दिखा लो, घंटे पाछा बाज बाज के घंटी ले। बहू ने फिर फोन करा पड़ोसन दो राय, मेरी सासू का के ज्ञान? नबला बेबे लीली पिड़गी मरेगी। बहू फिर बाज बाज के पढ़ा, नहीं सोचा 12 बजे आती रिजल्ट आ लेगा। घंटे पाछा फिर फोन करा, आए मेरी सासू का के ज्ञान? पड़ोसन ने बोली पुंडरी ले गए थे, राम है डैंड बैद पा गया, जहर चूस लिया, तेरी सासू बच गई, खटोला बैठ के चाह पीन लाग रही है। और उस मास्टरनी बहू ने मरा माथा माथा है, सारा सौदे मिलावट चाल पड़ी, ना तो पेलड़े सांप रे ना पेलड़ा जहर रहा। लुगाई का खसम खू गया, पड़ोसन ने लेके थाना में गई, निबली जी मेरा पति गुम हो गया। थानेदार निबला उलिया बता, जिसका पति गुम था निबली जी, 7 फुट का छोरा कति गोरा जमा चलता जी, खू गया जी, 7 दिन हुए आया कोई नहीं जी। पड़ोसन निबली आए झूठी, मरकला सा था कलिया सा था, जिसा बताओ ईसा तो कौन था जिसका पति गुम था? निबली एक खू गया, जुड़सा खू गया, पुलिस टो तो सुतरा लियाओगी। गांव के प्रधान है ये दरोगा जी से, जो थाने में नए दरोगा जी आते हैं तो प्रधान की दरोगा की थोड़ी ऐसे रहती है, क्योंकि रोज थाने में काम पड़ता है। दरोगा जी के पास एक शानदार सा कुत्ता, वो ऐसा कुत्ता जिसको ये नहीं पता चलता किधर मुंह है इसका किधर पूछ है। आजकल इसी तरह के कुत्ते चलते हैं। दरोगा जी कुत्ते को लेकर निकले, अजय भाई के मेडिकल स्टोर के सामने से गुजरे। अजय भाई बोले, और इस गधे के साथ कहाँ जा रहे हो? दरोगा जी गुस्सा गए, बोले बेवकूफ है, दिखाई नहीं दे रहा है, कुत्ता है। बोले दरोगा जी आप चुप रहे, मैं तो बेचारे कुत्ते से पूछ रहा हूं। ये एक दिन मेरे पास फोन करता है, बोले मनोज भाई मेरी भैंस बीमार है। तो मैंने कहा तेरे को देख के बीमार हुई होगी? तो बोले नहीं, कसम से भैंस बीमार है, कुछ जुगाड़ बताओ। तो मैंने उसको जुगाड़ बताई, मैंने कहा लेकिन एक काम, मैंने इसको एक दवा बताई, मैंने कहा उसको पीस के एक पाइप में डालना है। बोले फिर? बोले फिर क्या, भैंस के मुंह में पाइप डालना है? बोले फिर? बोले फिर क्या, पाइप मुंह से लगा के फूंक मारना है, दवा भैंस के पेट में जाएगी, भैंस ठीक। अगले ने रट लिया। 2 दिन बाद फोन आया, बोले भाई साहब मैं बहुत बीमार हूं। मैंने कहा क्या हुआ, भैंस का क्या हुआ? बोले भैंस का जो हुआ सो हुआ, मैं बहुत बीमार हूं। तो मैंने कहा क्या हुआ, दवा खिलाई थी? बोले खिलाई थी। बोले सर आपने जैसे बताया था, दवा मैंने पाइप में रखी थी। मैंने कहा भैंस के मुंह में पाइप दिया था? बोले दिया था। बोले फिर दिक्कत क्या हुई? मैंने कहा फूंक मारा था। बोले बस यही गड़बड़ हो गई, फूंक मुझे मारना था, भैंस ने पहले मार दिया। रिश्ता फिक्स करा दिया, हम लोग देखने गए, तो ये अमित भी वहां देखने गया, तो अब लड़की इसको देख रही है, लड़की को देख रहा, दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे। तो मैंने बात छेड़ी, मैंने कहा ऐसा करो यार, तुम दोनों लोग बैठे ही रहोगे, ये मॉडर्न जमाना है, जाओ कमरे में 2 मिनट बात करो, पूरी जिंदगी भर का मसला है, शादी होनी है। तो साहब ये कमरे में गया लड़की के साथ, वहां एक बढ़िया सी फोटो टंगी थी, इसने फोटो को देखा और लड़की से पूछा कि ये आपके बाबा हैं? लड़की ने मुंह घुमाया, कमरे से बाहर निकली, चली आई और बाहर आके मना कर दिया, बोले इसके साथ शादी नहीं करनी। अब सब टेंशन में ये घर गया, घर से बार बार मोबाइल पर फोन करे, भाई बात क्या हुई, लड़की ने मना क्यों कर दिया शादी के लिए? तो 3-4 दिन बाद लड़की ने बताया, लड़की ने कहा मैं कैसे इससे शादी कर लूं? ये मेरे साथ कमरे में गया, कमरे में महात्मा गांधी जी की फोटो टंगी थी, इसने उनको हाथ जोड़ के पूछ रहा ये आपके बाबा है?
एक हवाई जहाज में एक तोता और बंदर सफर कर रहे थे जी। तोते ने अचानक घंटी बजा दी, एयर होस्टेस आई तुरंत, बोली बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तोता बोला मैं तो मजे ले रहा था। अब बंदर को लगा यार ये तो बहुत अच्छी टेक्निक मजे लेने की। बंदर ने भी घंटी बजा दी, एयर होस्टेस फिर आई, बोली हाँ जी बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। बंदर बोला जी मैं तो मजे ले रहा था। अब उन दोनों को तो मिल गया खेल, कभी तोता घंटी बजाए कभी बंदर घंटी बजाए, कभी तोता घंटी बजाए कभी बंदर घंटी बजाए। जैसे ही एयर होस्टेस आए फट से बोल दे मैं तो मजे ले रहा था। एयर होस्टेस को आ गया गुस्सा, वो सीधी गई पायलट के पास, पायलट से शिकायत कर दी। पायलट को आया गुस्सा, उसने कहा इन दोनों को नीचे फेंक दो। अब जैसे ही उन दोनों को नीचे फेंकने लगे उड़ते हुए हवाई जहाज से, तो तोते ने बंदर से पूछा, बोला उड़ना आता है? बंदर बोला मुझे तो नहीं आता। तो बोले फिर क्यों मजे ले रहा था? वास्तव में बहुत सीधे लोग होते हैं बिल्कुल जलेबी की तरह। वो हमारे कॉलेज में एक ड्रामा हुआ था, उस ड्रामे में एक लड़की ने एक रोल किया भुआ जी का। अब भाई साहब लड़कों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया, जो भी लड़का देखे उसे भुआ जी भुआ जी भुआ जी कहके चिढ़ान लग गया। अब वो लड़की गई प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल से शिकायत कर दी, बोला जी मैं कॉलेज छोड़ के जा रही हूँ, सारे लड़के मुझे भुआ जी कहके चिढ़ाते हैं। प्रिंसिपल बोला कोई बात नहीं बेटा मैं समझाता हूँ सबको। सारे लड़कों को इकट्ठा किया हॉल में, प्रिंसिपल उस लड़की को लेकर के आए, बोला भाई जो भी लड़का इसको भुआ जी बोलता खड़े हो जाओ। भाई साहब सारे खड़े हो गए, सारे के सारे खड़े हो गए, एक बैठा रहा चुपचाप शर्म से गर्दन झुकाए। प्रिंसिपल को लगा यार चलो एक में तो संस्कार जिंदा हैं। बोला शाबाश बेटा, तुम इन सबको बताओ कि तुम इस लड़की को भुआ जी क्यों नहीं कहते हो। बोला जी मैं इन सबका फूफा लागू। कि सीधे साधे लोग जहां, वास्तव में बहुत सीधे लोग होते हैं बिल्कुल जलेबी की तरह। वो हमारे कॉलेज में एक ड्रामा हुआ था, उस ड्रामे में एक लड़की ने एक रोल किया भुआ जी का। अब भाई साहब लड़कों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया, जो भी लड़का देखे उसे भुआ जी भुआ जी भुआ जी कहके चिढ़ान लग गया। अब वो लड़की गई प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल से शिकायत कर दी, बोला जी मैं कॉलेज छोड़ के जा रही हूँ, सारे लड़के मुझे भुआ जी कहके चिढ़ाते हैं। प्रिंसिपल बोला कोई बात नहीं बेटा मैं समझाता हूँ सबको। सारे लड़कों को इकट्ठा किया हॉल में, प्रिंसिपल उस लड़की को लेकर के आए, बोला भाई जो भी लड़का इसको भुआ जी बोलता खड़े हो जाओ। भाई साहब सारे खड़े हो गए, सारे के सारे खड़े हो गए, एक बैठा रहा चुपचाप शर्म से गर्दन झुकाए। प्रिंसिपल को लगा यार चलो एक में तो संस्कार जिंदा हैं। बोला शाबाश बेटा, तुम इन सबको बताओ कि तुम इस लड़की को भुआ जी क्यों नहीं कहते हो। बोला जी मैं इन सबका फूफा लागू। कि सीधे साधे लोग जहां। अच्छा पत्नी की एक और इच्छा रहती है मुकेश भैया कि घुमाने ले चलो, छुट्टी का दिन हो आदमी, और मैडम ने जिस तरह से समर्थन किया है मुझे लगता है आपके पति को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ जहाँ कहीं भी बैठे हों। हाँ जी देखिए पत्नी की इच्छा रहती है कि घुमाने ले चलो, और आप मान लो अपनी बची खुची सैलरी टैक्स कटने के बाद जो बचती है, व्यापार के बाद जो बच जाता है प्रॉफिट, उसके बाद अगर आप उसको घुमाने लेकर जाओ तो लेकर जाओ कहाँ? समस्या ये है, अगर आप उसको मान लो कहीं समुद्र किनारे ले जाओ तो कहेगी टैनिंग हो जाती है, अगर आप उसको हिल स्टेशन पर ले जाओ तो वो कहेगी वोमिटिंग सेंसेशन होती है, अगर उसको आप बाजार में ले जाओ तो कहेगी कहाँ भीड़ भरी जगह ले आए, किसी सुकून की जगह ले आओ। पर मैंने इसका समाधान निकाल लिया है, मैं उसको ले गया शमशान घाट। वो बोली शमशान घाट यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा पगली लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। अच्छा पत्नी की एक और इच्छा रहती है मुकेश भैया कि घुमाने ले चलो, छुट्टी का दिन हो आदमी, और मैडम ने जिस तरह से समर्थन किया है मुझे लगता है आपके पति को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ जहाँ कहीं भी बैठे हों। हाँ जी देखिए पत्नी की इच्छा रहती है कि घुमाने ले चलो, और आप मान लो अपनी बची खुची सैलरी टैक्स कटने के बाद जो बचती है, व्यापार के बाद जो बच जाता है प्रॉफिट, उसके बाद अगर आप उसको घुमाने लेकर जाओ तो लेकर जाओ कहाँ? समस्या ये है, अगर आप उसको मान लो कहीं समुद्र किनारे ले जाओ तो कहेगी टैनिंग हो जाती है, अगर आप उसको हिल स्टेशन पर ले जाओ तो वो कहेगी वोमिटिंग सेंसेशन होती है, अगर उसको आप बाजार में ले जाओ तो कहेगी कहाँ भीड़ भरी जगह ले आए, किसी सुकून की जगह ले आओ। पर मैंने इसका समाधान निकाल लिया है, मैं उसको ले गया शमशान घाट। वो बोली शमशान घाट यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा पगली लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए।